वेलकम टू दिस चैनल मैसेफ डॉक्टर टी एन देवनाथ डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। क्या नीट पीजी 2022 पोस्टपोन हो गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जितना भी नीट पीजी एस्पिरेंट है सबका मन में ये सवाल है क्या नीट पीजी पोस्टपोन हो गया है। अगर ये आप पूछेंगे आपका जितना भी कोलीग है या जो भी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे या फिर सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे या फिर यूट्यूब का थंबनेल अगर देखेंगे तो इसमें हर जगह में ये देखेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि नीट पीजी पोस्टपोन हो गया। कोई कोई थंबनेल तो ऐसा है जिसमें 200% गारंटी दे के बोल रहे हैं कि नीट पीजी पोस्टपोन हो गया। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, टेंशन को और ज़्यादा कर रहे हैं। एंग्जाइटी जो स्टूडेंट में है ये जेन्युइन है। हर स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत जेन्युइन टॉपिक है जिसमें एंग्जाइटी होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। तो इसीलिए अगर आप किसी से पूछेंगे ना, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि नीट पीजी पोस्टपोन हो रहा है, ये 100% है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। ऐसा भी ग्रुप है जिसमें अगर आप बात करेंगे तो वो भी गारंटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि नीट पीजी पोस्टपोन नहीं होगा। इसके पीछे वो भी बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि 100% पोस्टपोन होगा वो भी अपना लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं। दोनों का ही लॉजिक वैलिड है, इसीलिए आपको इसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो हायर अथॉरिटीज लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनबीए हो, चाहे वो एनएमसी या फिर जो हेल्थ मिनिस्ट्री से भी इसका डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन इसका जो जेन्युइन डिसीजन उसी के थ्रू ही दिया जाएगा। कोई आपको यूट्यूब में अगर कोई बोल रहे हैं ना, तो इसमें आपको विश्वास कितना करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है ना, ये इसमें कोई भी कमेंट देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेंगे। जो डिसीजन लेंगे वो आपको ट्विटर के हैंडल के थ्रू या जैसे भी हो आपके पास आ जाएंगे, इसीलिए आप इधर उधर मत देखिए, इसमें आपका एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगा। अभी तक जो न्यूज़ है इसमें जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को ही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप भटक रहे हैं, अगर आप जो स्टडी टेबल है उसको छोड़ रहे हैं या फिर आपका जो शेड्यूल है उसमें गड़बड़ हो रहा है, तो आपको लॉस हो सकता है अगर ड्यू डेट में एग्जाम हो रहा है। तो इसीलिए अगर जब तक ये ऑफिशियल हैंडल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है। होने का बहुत उम्मीद है, नहीं होने का भी बहुत उम्मीद है, इसीलिए सबसे अच्छा है कि जो प्लान आपका है वो प्लान को बरकरार रखिए जब तक नहीं आपको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, नहीं कोई यूट्यूब से वीडियो से या फिर कोई किसी अलग इसमें। लेकिन आपको अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है इसके बाद आपका प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो आपको 21 मई को ही मान के चलना होगा और जो प्लान है उसी प्लान के तहत आपको प्रिपेयर करना होगा। थैंक यू सो मच।